विधानसभा अध्यक्ष ने काटा फीता, रंगारंग प्रस्तुति के साथ ही को पार्क का लोकार्पण। बिहार नदी के टापू में 5.20 हेक्टेयर पर विकसित हुआ। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रीवा शहर के इको पार्क का 24 सितंबर की शाम 5:30 बजे लोकार्पण हो गया है। यहाँ पर्यटन गतिविधियों को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार नदी के टापू में 5.20 हेक्टेयर भूमि पर पार्क विकसित हुआ है। यह पर्यटन के क्षेत्र रीवा के लिए नई सौगात है। सैर सपाटे की गतिविधियों के साथ इको पार्क में आधुनिक एडवेंचर की गतिविधियां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम उपस्थित हुए। कहा कि रीवा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब इको पार्क जैसी अनुपम सौगात मिल रही है। रीवा बदल गया है, हरित उद्योग के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में रीवा समृद्धशाली हो रहा है। पहले के रीवा और आज के रीवा में बड़ा परिवर्तन है। रीवा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मंत्री राजेंद्र शुक्ल का बिना किसी भेदभाव व बिना भय का प्रयास है। वे रीवा के शिल्पकार हैं। अब रीवा में पर्यटन गतिविधियों के ब्रांडिंग की जरूरत है। पूर्व मंत्री मानक ने की थी टापू विकसित करने की परिकल्पना। इको पार्क की परिकल्पना एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले PHE एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। कहा कि पर्यटन की गतिविधियों को इको पार्क से नई गति मिलेगी, यहां रोजगार के अवसर सृजन होंगे। विंध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र कुमार मानक के मन में कभी बिहार नदी के बीच में बने टापू को विकसित करने की परिकल्पना आई थी। यह बात शहर के वरिष्ठ समाज सेवी पंडित राम सागर शास्त्री ने बताई थी। जनता को भी सब्री से इंतजार था। जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब से मन में यह परिकल्पना थी कि कैसे टापू को पर्यटन के लिए विकसित किया जाए। आज यह काम पूर्ण होकर मूर्त रूप में सबके सामने है। इको पार्क का निर्माण निजी पूंजी निवेश से किया गया है, जिसमें नगर निगम एवं वन विभाग का सहयोग रहा है। नैसर्गिक व प्राकृतिक सौंदर्य को विकसित कर बनाए गए इको पार्क में शहर के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति यह दर्शाती है कि जनता को बेसब्री से इंतजार था। दूसरे भाग में बनेगा वेलनेस सेंटर। अभी इको पार्क के एक भाग का लोकार्पण हुआ है। आने वाले समय में दूसरे भाग में वेलनेस सेंटर सहित अनेक गतिविधियां बनाई जाएंगी। मंत्री ने रीवा के विकास का अपना संकल्प दोहराया। कहा कि रीवा में विकास के पंख लगेंगे। सेमरिया विधायक KP त्रिपाठी ने कहा कि रीवा को रचने व गढ़ने में मंत्री शुक्ल ने पूरे दृढ़ संकल्प व निश्चय से कार्य किया है। रीवा का विकास उनका विजन व मिशन है। इन अतिथियों ने किया संबोधित। नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे ने कहा कि मंत्री शुक्ल के दृढ़ संकल्प से ही रीवा का विकास हो रहा है। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, जिम्प अध्यक्ष नीता कौल ने भी संबोधित किया। इस दौरान पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता एवं राजेंद्र मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व स्वागत उद्बोधन देते हुए DMO अनुपम शर्मा ने बताया कि 5.2 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित विश्व स्तरीय इको पार्क के निर्माण में इको टूरिज्म बोर्ड व वन विभाग का भी सहयोग है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।